और कॉर्पोरेट कराने समझ जाएं, अपने हक लेके जाएंगे, अपनी नस्ल और फसल को बचा के रहेंगे हम, ऐसे ही वापिस जाने वाले नहीं है हम। कर बनाया दी किसाना ना तो हम राजनीति हम के करेंगे, राजनीति तो यह सरकार है ना, इतनी गंदी सरकार मना नहीं देखी थी, इतनी गंदी। हमने उसे बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी और उसने के करया मारे गला धोखा करके वो बीजेपी में जा रहा, और बीजेपी में रहा उस टाइम भी किसानों ने सबर कर लिया था, भाई तारे किसी भले खातर रहा होगा। या किसान को है वहाँ तो वहाँ तो वहाँ कोठिया पर नाची जाओ, फिर हम इसे थकिया नहीं करते हैं, वह सरकार की दल्ली है, हम सरकार के दल्ले नहीं है। हमने किसानों के साथ धोखा किया और किसान आंदोलन के पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहा तो किसान जाग गए। आज सिर्फ उस दुष्ट चौटाला को नाक रगड़वाने का काम करेंगे किसान यहाँ पे। खट्टर मोदी का नू बता दो कीड़ी लग नहीं, और नाना चौटाला उन्हें अपनी गोद में बिठा ली, अपनी लुगाई बना ली सारे ने, तो नाना चौटाला उनका रोटी पोने वाली होगी। लेकिन आज किसान को हम खड़ी हो ली है तो हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, जो हमारे किसान ना मारेंगे तो हम खून का बदला खून भी ले सका। आज सरकार ना हमनु देश जुड़े नु सरकार ना नु दिखावांगे। अब उदन तो थोड़े थे लाठी चार्ज कर दी थी, आज उल्टे नहीं हटांगे हम, आज हम प्रशासन ना देखा वो अच्छा जो हमारा मन माओगे आज हम वो करके जावांगे, आज उस प्रशासन ने भी देख के जावांगे। और मोदी जी ने भी कहा आज देख ले किसान का सर कितना जुड़ रहा, लेकिन उल्टे नहीं जावांगे हम, हमारी लाश उल्टी डगर जाएगी, लेकिन रोज की रोज हमारे किसानों नाम मरने नहीं देखांगे और ना मरने देंगे। आज खट्टर साहब ने नू बताऊ मैं देख लो है कि ना किसान कितना सर जोड़ रहा है, तेरा मैं हिम्मत हो तो हमारा आग आ जाए, आज हम तेरा लिहाज करके जावांगे। खटखट टोलता रहे हम जीनते हैं, लेकिन हम कच्चा छोटिया नहीं करते कि तेज आ लिया, तू आने गए औरत अभी पका के आए थे, ऐसा हर गए और अभी उठी रुआ के आए थे, और आज हम आड़ा करनाल मारे हैं, लेकिन हम कच्चा छोटा है। जब खटखट टोल चाल पड़ा है ना तो प्रशासन का भी जाडा चढ़ा है, यो हम पक्की वादा करा इत सरकार ते आ जाए कि तू देख ले तू अब करनाल में किसान कितना जुड़ रहा है, किसान लेकिन उठ लिया ना किसान तो ये बैठेगा नहीं चला, किसान का कि मैं खोटे नहीं है तो सरकार क्यों भड़का रही है हमने, आगे ये प्रशासन है प्रशासन मारा है किसान, किसान नहीं भड़का रहा सरकार कल्ली भड़का रही है, किसान भी तो कसी ठट्टा बाज जाए सरकार कसी। अच्छा ये मेरा आड़ा लाठी चार्ज करेगा प्रशासन, मैं खेत में बाजूंगी, मेरे का कहता हूँ खेत में काम करेंगे तो कसी कसोला का काम हमारा, और क्या हम बंदूखा का काम करेंगे, कसी कसोला का जेड़ी गंडासे का काम हमारा खेत में, तुम्हारा तो हम हथियार मारे तो लेवांगे, आज हम की मैं ले रहे हम झंडा ले रहे हैं, गला सिर्फ हमारा गला कुछ नहीं है, हमारे झंडे है आज हमारे झंडे देखी, चाहे तेरी गोली लिया चाहे तोप लिया हम उल्टे नहीं हटांगे। आज तो सरकार नहीं होती, आज तो लठबीन लेना है, डंडा क्या लेता है, डंडे हम झंडे ले रहे हैं, झंडे हैं हमारी झंडा हमारी न्यान शान है, झंडा कौन छोड़ झंडा के सामने सरकार के जाने झंडा ने झंडा मारा है, झंडा रखांगे और हमारा गला की मैं हो तो देख लो सरकार की डाला हम पानी है के छोले हम बंदूक चला दे नहीं हम बंदूक चला दे हमारा गला झंडा है, झंडा हमारी यान शान है या झंडा हमारा या नहीं छोड़ांगे, किसान चाहे कितने तान मार लो ये किसान नू ला ले तू, ये सरकार मांगा हमारा हक ले लिया मारा, सरकार की तो आनी जानी चीज है भाई। खट्टर जी ने कह रही हूँ मैं वो तो हमारे गुठिया तो बनया था या जमीन है ना या हमारी दादा लाई है, लेकिन आड़ मर जावांगे जमीन सरकार तई नहीं जान देंगे, जो हमारा पक्का हुआ। हाँ जी ताई नहीं कह रही जी सर की खट्टर सरकार जो है गुंठिया तो बनी थी, ठीक है इतना हमने सरकार के गुंठिया दे रखे गिट्टी में वो ठीक बात है, सही बात है, हमने गुठा लेके बनाई थी नहीं तो गेटे में गुठा जब मारा हमने विकास खातर बनाई थी, मारा बल्ला खातर बनाई थी, हमने नू को नहीं बनाई थी, तू बने पाछे मारा गुठा लुआ के ना मारिए गेटे में गुठा दे दिए, जे वो हमारी गेटे में गुठा देगी तो हम भी अपना गुठा मजबूत ले रहे हैं उसकी गेटे में गुठा देंगे। बातचीत जो है कब शुरू करेगा किसान सरकार, देखो किसान से किसान तो सरकार तो बातचीत करने का मूड में सरकार को नहीं, सरकार ने नू बेरा है, जिस दिन किसान अपनी आप आ गए उस दिन तो ना मानना पड़ेगा, और मानने का मूड में नहीं है वह, क्यों नहीं है क्योंकि उसने नू बेरा है कॉर्पोरेट कराने फिर तेरे गोड्डे टिकवा देंगे तने यार रहन नहीं देंगे तने बजा देंगे, जो कुछ उसने ले रखे नहीं कॉर्पोरेट कराने पर तो वो कड़े तो वापिस देगा, यू किसाना के खून पसीने की कमाई तो उनका घर चल रहा है वो कहाँ से पूरा करेगा उसको। आपने पता है कि सरकार कॉर्पोरेट से चल रही है ठीक है, फिर आप इस उम्मीद में क्यों हो कि सरकार मान जाएगी, सरकार इसलिए मानेगी, सरकार इसलिए मानेगी, पहले एक एक आदमी था अब सारा किसान परिवार इकट्ठा हो गया है, 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक
सब इकट्ठा हो गया और अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। इस हक को लेकर रहेंगे। सरकार और कॉरपोरेट घराने समझ जाएं, अपने हक लेके जाएंगे, अपनी नस्ल और फसल को बचा के रहेंगे। हम ऐसे ही वापिस जाने वाले नहीं हैं। हम प्रियंका जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले भाषण दिया, आपने लोगों में जोश भरा, लेकिन साथ साथ आपने ऐसा नहीं लगता कि आपने लोगों को उकसाया? नहीं, उकसाने का काम तो सरकार कर रही है। उकसाव तो इस प्रशासन ने दिया है। 28 तारीख को इस प्रशासन ने उकसाने का काम किया, इस खट्टर सरकार ने उकसाने का काम किया। लेकिन आज हम यह आगाज इस धरती से करना चाहते हैं, जो उस दिन उन्होंने लाठी चार्ज किया था, अरे एक बार भी नहीं, चार चार राउंड लाठियों के किए गए हैं। कई शर्म ले आज हो तो डूब कर मर जाओ, ये खट्टर सरकार, ये प्रशासन भी डूब कर मर जाओ। ये तानाशाही अभियान ही चलेगी। आज हमारा पूरा का पूरा हरियाणा का भाईचारा इकट्ठा, इन्होंने धारा 144 लगाई थी, लेकिन धारा 144 और इंटरनेट बंद होने के बावजूद भी आप यहाँ पे तादाद देखो हमारी कितनी है। अरे प्रधानमंत्री कहते हैं कॉल की दूरी पर है, लेकिन प्रधानमंत्री की तो कॉल गई उत्कत है, लेकिन आज किसान ना की एक कॉल की दूरी देखो आप। एक कॉल पर पूरा का पूरा हरियाणा उठ कर आया है, और इस खट्टर सरकार की तो हम ईट से ईट बजा कर जावांगे। चाहे हमारे ये कह करना कि 600 किसानों ने शहादत दे दी है, यो बैम काट दियो प्रधानमंत्री जी, और ये हरियाणा के खट्टर सरकार में कहूंगी कि यो बैम काट दियो कि किसान उठ कर जाओगा। शहादत इसका चार गुना देनी पड़ जियो। लेकिन ये अब हमने तीनों काले कानून वापिस नहीं चाहिए, अब इस ये तानाशाही सरकार, ये अत्याचारी सरकार की गद्दी वापिस चाहिए हमने। भाई ये कह रहे हैं गद्दी वापस चाहिए, ये तो राजनीति की बात हुई नहीं? पहले आरोप लगाओ किसानों पर, किसान राजनीति करें। राजनीति किसान तो राजनीति क्या म करेंगे, या सरकार एक को नहीं मान किसान, ये सरकार बना दी किसान ना है तो हम राजनीति हम क्या करेंगे। राजनीति तो यह सरकार है ना, इतनी गंदी सरकार मैंने नहीं देखी थी, इतनी गंदी जब बना दी हमने तो या किसान पर लाठी चार्ज करने, लाठी चार्ज खातर बना दुसैन चुटाला था, उदन मारे पाँ पकड़ा था, हाथ जोड़ा था, काकी ताई राम राम तारा हूँ, हमने मारा करके वो बना दिया। आज वो देखता कौन किसान ने, किसान का रोड पार है किसान, क्या था किसान रोड़ा पांडन के, किसान खेत में काम करने का हुआ जमींदार 36। मैं यह बात कहूँ मोदी जी ने, यो तो उसी अच्छा काम कर दिया, मारा भाई जाड़ा जोड़ दिया, नहीं तो तोड़ रखा था उसी, यो मारा भाई जाड़ा आज इकट्ठा हो रहे हैं 36 जात का, लेकिन हम बख्शांगे नहीं, हम इतनी ऊंचा कुर्सी पर बैठा सका ना, इतनी हम नीचे भी गैर से कहा हम बैठाएंगे तो नीचे जो तने यो बेटा जाम रखा नी माँ बेटा आज बार आ जाओ मारा गला उदन तम का हम 12-12 बजे आती परेश कागा बैठे रह करते राम भी बरसा करता जाडा होया करता आज नैना चुटाला कड़े गई आज हम नैना चुटाला ना उसका बाप बेटा नाम दिखते को नहीं किसान रोड़ा पर ले रखा खड़े बना दिया हमने 10 भी नहीं गए और लेकिन उस रोड पर तो उदन उठांगे उदन मारा हक उल्टा मिल जाएगा इतना उल्टे नहीं। भाई कह ले खबर छपी है इनका खट्टर में दुष्यंत चुटाला में तो लोग लाई वर्गे हुए हैं भाईचारा उनका भाईचारा उनका तो कट्ठा है चार सरकार में है ये मारा गला किसान देख लो कितना जुड़ गया चेहरा न हुआ आराम नहीं सीधा राह दे देना उनका दौर जानना है भाई कुर्सी पर तो मैं एक लिए घेर लियाऊंगी ये तो चाहे पाँच छह रही जाइयो खट्टर सरकार का कहना है दुल्हन और दुल्हा दुल्हन बनकर ये काम कर रहे हैं 2500 दिन पूरे हो गए खट्टर और दुष्यंत दुल्हा कौन है दुल्हन कौन है दूल्हा कौन दुल्हन हुआ दूल्हा है अरे वो दुष्यंत दुल्हन है अरे यो तो हमने बेरा था मतलब देखो हमने उसे वोट दी थी हमने उसे बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी और उसने के करया मारे गला धोखा करके वो बीजेपी में जा रलिया और बीजेपी में रलिया उस टाइम भी किसानों ने सबर कर लिया था भाई तारे किसी भले खातर रलिया होगा लेकिन जब उसने किसानों के साथ धोखा किया और किसान आंदोलन के पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहा तो किसान जाग गए आज सिर्फ उस दुष्यंत चौटाला को नाक रगड़वाने का काम करेंगे किसान यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं ना भाई कस्सी अगर किसान उठाएगा तो प्रशासन क्या करेगा तो मैं उस दुष्यंत ने बताना चाहूँ भाई तने कस्सी का बदला मारो मारे सिर फुड़वाए मारी नाक तोड़ी मारी आंखें की रोशनी चली गई और एक भाई मारा शहीद हो गया तो आज तेरे उस एक के खून की बूंद का बदला लेने के लिए करनाल की धरती पाए इंजीन से और बदला लेके जाओगे और इस प्रशासन ने और इस शासन ने बता के जाओगे जड़े खटखट टोल वाले आ जावानी ओड़े किसानी खुटा गट जाया करे सारे में पहले ही सार में गाड़ के आए थे फिर टुहाना में गाड़िया फिर हम सिरसा में गए सारे किसानी खुट्टा गाड के गए हैं और आज ये अड़ा गया नहीं ये करनाल की धरती पे किसानी खुट्टा गाड के जाएंगे और जो भाई मारा तिरंगा छाती में गडवा के लहरा के गया ना उसकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे सरकार को घुटनों के बल लाके छोड़ेंगे आज हम।
जिंदाबाद। कहा जा रहा है किसान को जिंदाबाद जिंदाबाद, फैसला नहीं ले पा रहे। जब भी आते हैं किसान पंचायत करके चल जाते हैं, किसान पंचायत करा ईब लाले। सरकार ने यह बात कही थी, मैं एक कॉल दूर हूँ सरकार ने कही। जिस दिन हमने कोई बड़ा फैसला ले दिया ना, इन दुष्टों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये बात भी हम बता देते हैं, जिस दिन हमने कोई बड़ा फैसला ले लिया और नैना चुटाला को, तो मैं हरियाणवी में सीधी भाषा में ये कहूंगी कि डूब का मर जा तू और गेटी में गुठा दे दे उस तेरे बेटे का जिसने किसाना का नाम पर वोट लिए। राजू के सिर फड़वाने लग रहे हैं। ना वह थी देख बात है, वह बड़े बड़े बयान हमने सुने, इसी से हम तो हम था पे नहीं कर दे रहे। या किसान कौम है वहाँ, तो वह तो वह कोठिया पर नाची जाओ, फिर हम इसी से हम थप्या नहीं करते हैं। वह सरकार की दल्ली है, हम सरकार के दल्ले नहीं हैं। और मैं प्रशासन ने यह बात कहूँ, तम भाई ड्यूटी करो, तम इनकी दलाली ना करो, घर तक गाल रखे पाड़ रखे हमने बना रखे गबर। खट्टर मोदी का नू बता दो कीड़ी लग नहीं, और नैना चुटाला उन अपनी गोद में बैठा ली, अपनी लुगाई बना ली सारे ने, तो नैना चुटाला उनका रोटी पौन वाली होगी। लेकिन आज किसान को हम खड़ी हो ली है तो हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शांगे नहीं। जो हमारे किसान ने मारेंगे तो हम खून का बदला खून भी ले सका हाँ। हम तो 2024 न तो बात जाएगा यो जिंदोर है, ओड़े आना है इसी तो ठिकाना पे है। और किसान तो ओड़े रहेगा अपनी धरती पे, किसान की धरती कोई ले नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। किसान बिना के है, किसान किसान बिना तो आज जिंदोर भी नहीं भूखा मरेगा। यो तो साये के चीज है, जब किसान तो किसान भूखा नहीं मरेगा, किसान तो अपना अपनी फसल उगा लेगा। किसान ये भूखे मरेंगे तारे पर के दुकान ना ले, तम भी गल्ले हो, तम गल्ले हो हाँ। किसान ना बिना कुछ नहीं, एसडीएम के है वो मारे होंगे। बदली वाला तो फिर आ जाएगा, और वो उसी तो जमा घर बैठा दे, और उसका तो जमा गांव वाले उसकी जात पे घेर दो। हम तो जबरात जी से एक ही गुवार है, जो धाराएं किसानों पर लगाई गई है ना 302 307 नियते किसानों पर लगाई गई है, तो मैं ये चाहती हूँ यही धाराएं उस एसडीएम और उस एसएचओ पर लगे जिन्होंने खून किया है, सरेआम मर्डर किया, उन्होंने लाठियां बरसा के हमारे किसान भाइयों का, तो यही धाराएं उन पर लगनी चाहिए एसडीएम और एसएचओ पर। ये बोल रहे हैं भाई हम उनको हटा देंगे, मैं उनको सीधी फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। जब हमारा खून का बदला खून होगा ना, तो हम न्याय प्रणाली मानते नहीं, हमारे लोकतंत्र मानते ही नहीं हमें। ये तो लठतंत्र और तानाशाही तंत्र हो गया है, जहाँ पर सरेआम लाठियां गोलियां बरस रही है और नियते किसानों को मारा जा रहा है, खून किया जा रहा है उनका, और इस खून का बदला किसान खून से ले के रहेंगे, ये सरकार और प्रशासन समझ जाए। देखिए ये तो आपको भी पता है, प्रजातंत्र रह नहीं रहा, और जो बैठे हैं ना वो उनकी उसमें बैठे हैं। खट्टर साहब ने एक दिन एक बात बोली थी, भाई दुष्यंत मेरे तो अलग होकर देख, तेरी चाबी मेरी गोद में है। तो आप इस बात को समझो, जब उसकी चाबी उसकी गोद में नहीं, तो अजय चौटाला की चाबी भी किसी न किसी की गोद में थी, इसीलिए तो वो पहले निकल कर आ गया ना। तो हमारे जैसे आम नागरिक को 10 साल आगे फालतू रखा जाता है और जुर्माना भी लगाया जाता है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं लगाया। और ईब वो झूठे डोंगर चाहे भाई, हम किसाना का पक्ष में हाँ, तो मैं इनसे सबसे ये पूछना चाहती हूँ भाई, तुम किसाना का पक्ष में तो हो, जहाँ शहादत होती है, जहाँ लाठीचार्ज होता है ना, वहाँ आकर देखो तुम उनके साथ आगे खड़े होके देखो, तुम्हारे इस्तीफे को जब इस्तीफा मानेंगे, वैसे तो देश फिर रहा भाई। ठीक है भाई।